में कांग्रेस ने दिल्ली रेप के बाद बच्ची को जिंदा जलाने के मामले को लेकर प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला और मौन व्रत रखकर उस बेटी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की। ने कैंडल मार्च इसलिए निकाला है कि दिल्ली में एक 9 साल की दलित बेटी के साथ दरिंदगी की जाती है और उस दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके जो आरोपी हैं उन्हें कोई उनके ऊपर सख्त कार्रवाई तुरंत नहीं की जाती है। जब हमारे नेता जाते हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने का भ्रम फैलाती है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आज की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में या उत्तर प्रदेश की सरकार में या देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां बेटियों के साथ अन्याय की पूरी जो सीमाएं हैं वो टूट गई हैं। देखिए, दिल्ली में जो 9 साल की बच्ची के साथ, दलित बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस के द्वारा उसकी बॉडी को उसके परिजनों को नहीं दी गई। हाथरस की घटना को फिर से दोहराया गया है दिल्ली में जाकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो गृह मंत्री की पुलिस है, अमित शाह जी की पुलिस है, यहाँ पर आकर के, उत्तर प्रदेश में आकर के यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटते हैं, आकर के सर्टिफिकेट देते हैं आकर के, और वहाँ पर अपनी दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के जो प्रशासन, दिल्ली का जो उनका पुलिस प्रशासन है वो कोई किसी भी प्रकार की बेटियों को कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। और जौनपुर में सपा नेता जनेश्वर